एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबर। आज हाईटेक इस्लामिक स्कूल वाखे तालाब कट्टे में रीडिंग राइटिंग फ्योनिक्स साउंड एंड रैम्स कंपटीशन मुनक्किद किया गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी मोहतरमा मेराज खान, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन कमेटी मोहतरमा मसरत फातिमा सोशल वर्कर, मोहतरमा मैमुना रेयान सोशल वर्कर, जनाब एजाज रेयान सोशल वर्कर और जनाब मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज़ चेयरमैन थे। इस मौके पर हाईटेक इस्लामिक हाई स्कूल प्रिंसिपल मोहतरमा फरहीन बानू, करेस्पोंडेंट जनाब असलम खान, वाइस प्रेसिडेंट जनाब आसिफ खान मौजूद थे। कॉम्पिटिशन में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। Reading and writing practice and phonics practice in our school, and to inculcate bold explanation of bolding on this stage, and to just we have arranged them, or we have prepared them to introduce yourself very clearly, and we have motivated to them. This program is just for motivation of students. I just want to thank Mohammad Imtiaz sir, chairman of Active Welfare News Welfare Society, to just for coming and encouraging our students, giving the prizes to our students. And I just want to thanks to Honorable Mrs. Mehraj Khan, National Vice President, Mahila Wings, Mehraj Khan's Women and Welfare and Development Society, for coming here and encouraging or motivating our students for to do their best in their. Assalamu alaikum, मैं मेराज खान, यहाँ हाईटेक स्कूल इस्लामिक स्कूल में मैं आई हूँ। यहाँ पर ये बच्चों को आज अवार्ड दिया गया है, और यहाँ पर इनकी तालीम वगैरह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी अवेयरनेस के तौर वो है कि मुतासिर हुए हैं इन बच्चों से। और असलम साहब और फातिमा मैडम यहाँ पर ये इनकी बुनियाद रखे हैं ये मदरसे की, ये स्कूल की। और ये बच्चे जो हैं इनकी एजुकेशन वगैरह के लिए हम मतलब जितनी तारीफ़ करो कम है कि ये लोग जितने डिग्निटी से कितना एकदम राइट लोग फॉलो कर रहे हैं। फाउंडेशन इन लोग का इतना अच्छा है कि बेहद खुशी हुई इन लोगों से मिल के कि इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी इनको कामयाबी दे, ये बच्चे तालीम के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें इंशाल्लाह।